गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ का चैप्टर नंबर 16, जिस चैप्टर का नाम है डियर स्टूडेंट त्रिकोणमिति फलनों से संबंधित कुछ अन्य सूत्रों के अनुप्रयोग। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, टोटल क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड होंगे। यदि आपको फार्मूला अच्छी तरीके से पता होगा तो किसी भी क्वेश्चन के, इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को मैक्सिमम आप 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाओगे। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर से आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में 3 क्वेश्चन 100% आना है। आप कॉपी पर नोट डाउन कर लो कि इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन 100% बनना है। यदि आपको फार्मूला अच्छी तरीके से पता होगा तो इस चैप्टर से आपके 12 नंबर यानी कि 3 क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के जितने भी फार्मूले दिए गए हैं, टोटल फार्मूला के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद से इस चैप्टर पर आधारित जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले फार्मूला को आप बिल्कुल ध्यान से अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि इस चैप्टर पर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है। यदि आपको फार्मूला पता है तो क्वेश्चन को बिल्कुल शानदार तरीके से मैक्सिमम 5 से 10 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर पाओगे। यदि आपको फार्मूला नहीं पता है तो क्वेश्चन को टच भी नहीं कर पाओगे। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के जितने भी फार्मूले मैं आपको बताने वाला हूँ, टोटल फार्मूला को अपनी नोटबुक में अच्छी तरीके से नोट जरूर कर लेना, क्योंकि टोटल क्वेश्चन इस चैप्टर के फार्मूला बेस्ड है। यानी टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यदि फार्मूला पता होगा तो मैक्सिमम आप 10 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अच्छी तरीके से फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूं, फिर इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं टोटल क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। तो आइएगा डियर स्टूडेंट, सबसे पहला आपका फार्मूला है साइन सी प्लस साइन डी का। तो साइन सी प्लस साइन डी बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट, साइन सी प्लस साइन डी बराबर आपका होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस का डी बाई टू। तो ये आपका साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। वहीं पर साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला आपका होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉसाइन सी माइनस डी बाई टू। तो कभी भी यदि आपको फार्मूला याद रखना है तो हमेशा एक दूसरे से रिलेट करके याद रखना। जैसे साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू का कॉस सी माइनस डी बाई टू है, वहीं पर साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू का साइन सी माइनस डी बाई टू। यानी कि यदि आप इस फार्मूला को ध्यान में रखते हो तो ये फार्मूला आपका आसानी से याद हो जाएगा। कि ये करना कुछ नहीं है, जहां पर साइन है वहीं कॉस आ जा रहा है और जहां पर कॉस है वहीं पर साइन आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखो, एक फार्मूला याद रखोगे तो दोनों याद हो जाएगा। करना क्या है, जहां पर साइन है वहीं कॉस लिख देना और जहां कॉस है वहां पर साइन लिख दोगे तो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला बन जाएगा। अब हम बात करते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर क्या होता है। तो कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर आपका होता है डियर स्टूडेंट 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू का कॉस सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू का कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये आपका कॉस सी प्लस डी का फार्मूला। कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला क्या होता है,
सी माइनस का डी का फार्मूला होता है डी स्क्वायर टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू का साइन डी माइनस सी बाई टू। इस फार्मूला में मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। कॉस सी माइनस काई डी के फार्मूला में टोटल आपका साइन के पदों में आता है और लास्ट में डी माइनस का सी डिवाइडेड बाय टू होता है। अच्छी तरीके से इस फार्मूला को नोट कर लेना डियर स्टूडेंट, स्टार लगा लो, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। आप ध्यान में रखिएगा cos c minus cos d बराबर 2 sin c plus d by 2 into cos d minus c by 2। बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टार मार कर लो, क्योंकि इस फार्मूले में बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट की 2 sin a cos b बराबर क्या होता है। तो 2 sin a cos b बराबर आपका होता है sin a plus b प्लस का साइन ए माइनस बी, प्लस का साइन ए माइनस बी होता है। तो यदि 2 साइन ए कॉस बी बराबर आपका होता है साइन ए प्लस बी प्लस का साइन ए माइनस बी। वहीं पर हम बात करें 2 कॉस ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है, तो 2 कॉस ए साइन बी का फार्मूला आपका होता है साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी। तो इन दोनों फार्मूला को आप कैसे याद रखोगे, जब 2 साइन ए कॉस बी है तो साइन ए प्लस बी प्लस का साइन ए माइनस बी है, लेकिन जब 2 कॉस ए साइन बी है तो यहां पर आपका साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी है। यानी कि इस फार्मूला और इस फार्मूला में फर्क बस इतना है कि जहां पर प्लस है वहां पर माइनस लगा देना है, तो आपका फार्मूला बन जाएगा 2 cos a sin b। यहां तक आपको सारी बातें अच्छी तरीके से क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट 2 cos a cos b का क्या फार्मूला होता है। तो 2 cos a cos b का फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट cos a plus b plus का cos a minus b। 2 cos a cos b का फार्मूला क्या होता है, cos a plus b plus का cos a minus b। 2 cos a cos b का फार्मूला क्या होता है, cos a plus b plus का cos a minus b। यहां तक आपको सारे फार्मूले अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट 2 sin a sin b का फार्मूला क्या होता है। तो 2 sin a sin b का फार्मूला आपका होता है cos a minus b minus का cos a plus b। यह भी फार्मूला आपका ट्रिकी है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, स्टार मार्क कर लो। 2 sin a sin b का जो फार्मूला होता है cos a minus b माइनस का cos a plus b। तो इस तरीके से आपको आठों फार्मूले अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट sin 2a का फार्मूला क्या होता है। तो sin 2a का फार्मूला आपका होता है डियर स्टूडेंट 2 sin a into का cos b। sin 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 sin a into का cos b। यदि हम tan के पदों में जानना चाहे, यानी कि यदि हम sin 2a का फार्मूला tan के पदों में लिखना चाहे, तो आपका होता है 2 tan a divided by 1 plus tan square a। तो इसको भी अच्छी तरीके से नोट कर लेना, sin 2a बराबर 2 sin a into cos a, 2 sin a into cos a होगा, ठीक है। 2 sin a into cos a और tan के पदों में यदि हम लिखना चाहे तो 2 tan a बट्टे का 1 plus tan square a होता है। यहां तक आपको सारे फार्मूले अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, अगला जो आपका फार्मूला है डियर स्टूडेंट वो आपका है cos 2a का। तो cos 2a का फार्मूला क्या होता है, इसके बारे में अच्छी तरीके से आप ध्यान से देखना। तो
तो cos 2a का फार्मूला क्या होता है? cos 2a का डियर स्टूडेंट आपके चार फार्मूले होते हैं। पहला जो आपका फार्मूला होता है cos 2a बराबर आपका होता है cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर a होता है। cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर a होता है। यदि हम cos 2a का फार्मूला केवल और केवल cos के पदों में लिखना चाहें तो क्या होता है? यदि हम cos 2a का फार्मूला केवल और केवल cos के पदों में लिखना चाहें तो हमारा होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1 होता है। यदि हम cos 2a का फार्मूला केवल और केवल sin के पदों में लिखना चाहें तो क्या होता है? यदि हम cos 2a का फार्मूला केवल और केवल sin के पदों में लिखना चाहें तो 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर a होता है। ठीक है, यह तीनों फार्मूले आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए। नेक्स्ट हम बात करें डियर स्टूडेंट, यदि हम cos 2a का फार्मूला 10 के पदों में लिखना चाहें तो क्या होगा? यदि हम cos 2a का फार्मूला 10 के पदों में लिखना चाहें तो क्या होगा? जल्दी बताना डियर स्टूडेंट, यदि हम cos 2a का फार्मूला 10 के पदों में लिखना चाहें तो क्या होगा? 10 के पदों में आपका होता है 1 माइनस का 10 स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस का 10 स्क्वायर a होता है। a आपका cos 2a का फार्मूला 10 के पदों में होता है। तो इन चारों फार्मूलों को आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। पता इसलिए होना चाहिए कि कभी कभी आपका ऑप्शन 10 के पदों में दिया रहता है तो आपको यह फार्मूला अप्लाई करना है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपका जो आंसर होता है केवल और केवल साइन के पदों में ही दिया रहता है तो आपको यह फार्मूला अप्लाई करना है। और कभी कभी कास के पदों वाला फार्मूला अप्लाई करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो चारों फार्मूले को अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट 10 2a का फार्मूला क्या होता है। ये आपका फार्मूला नंबर 10 था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10 2a का फार्मूला क्या होता है। 10 2a का फार्मूला क्या होता है? तो 10 2a का फार्मूला क्या होता है जल्दी बताना। तो 10 2a का फार्मूला क्या होता है आपको जल्दी से बता लेना है। तो 10 2a का फार्मूला आपका होता है डियर स्टूडेंट 2 10a डिवाइडेड बाय 1 माइनस का 10 स्क्वायर a। ये आपका 10 2a का फार्मूला होता है 2 10a डिवाइडेड बाय 1 माइनस का 10 स्क्वायर a। वहीं पर हम बात करें डियर स्टूडेंट cot 2a का फार्मूला क्या होता है। cot 2a का फार्मूला क्या होता है जल्दी बताना। cot 2a का फार्मूला क्या होता है आप लोग जल्दी बताइएगा कि cot 2a का फार्मूला क्या होता है। तो cot 2a का फार्मूला होता है cot स्क्वायर a माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2 cot a। ये आपका cot 2a का फार्मूला होता है। cot 2a बराबर cot स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot a। नेक्स्ट आपका जो फार्मूला दिया गया है डियर स्टूडेंट वो आपका sin a का फार्मूला दिया। तो एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको sin a cos a tan a cot a का फार्मूला याद करना ही नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखना, जैसे sin a का फार्मूला क्या होगा ये आपको बताना है। तो मेरे दोस्तों sin a बराबर आपका हो जाता है 2 sin a by 2 into का cos a by 2। ये आपका sin a का फार्मूला होता है 2 sin a by 2 into का cos a by 2। तो एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, जब आपका sin 2a था, जब आपका sin 2a था तो a के पदों में आपका फार्मूला आता था। जब आपका sin 2a था तो a के पदों में फार्मूला आता था, यानी कि 2a का आधा a के पदों में फार्मूला आता था। जब आपका sin 2a था तो a के पदों में फार्मूला आता था। तो जब आपका a होगा तो आपका जो फार्मूला होगा a by 2 यानी a का आधा a by 2 के रूप में बनता जाएगा। तो यदि आपको यह फार्मूले पता होंगे तो आपको यह रटना नहीं पड़ेगा। जब 2a है तो a के साथ आएगा,
जब a है तो a by 2 के साथ आएगा, यदि आपका a by 2 होगा तो a by 4 के साथ आएगा, यानी कि आधा हो जाएगा। यदि 2a है तो a के साथ आएगा, यदि a है तो a by 2 के साथ आएगा, यदि a by 2 होगा तो क्या आएगा, a by 4 के साथ आएगा। तो इस तरीके से आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर sin a का मान होगा 2 sin a by 2 into का cos a by 2 होगा। वहीं पर हम 10 के पदों में बात करें तो क्या होगा, 10 के पदों में आपका हो जाएगा 2 tan a by 2 divided by 1 plus का tan square a by 2 हो जाएगा। यहाँ तक आपको सारे फार्मूले अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट, चलते हैं हम नेक्स्ट फार्मूले पर। 13 फार्मूले हो गए, 7-8 फार्मूले और नोट कराऊंगा, उसके बाद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ध्यान से कम 2-3 बार अच्छी तरीके से प्रत्येक फार्मूले को नोट करके कॉपी में अच्छी तरीके से दिमाग में सेट कर लेना, जिससे किसी भी प्रकार से यदि आपका इस चैप्टर से एग्जामिनर कितना भी घुमा करके पूछ ले, आपसे छूटना नहीं चाहिए। इस तरीके से फार्मूले को, एक काम और कर सकते हो, फार्मूले को 2-3 पेज पर अच्छी तरीके से नोट कर लो, और जहां भी पढ़ने बैठते हो वहां पर आप दीवार साइड में चिपका दो, तो जितनी बार आप बैठोगे आपका दिमाग फार्मूले पर जाएगा। या कभी भी वैसे बैठे हो 2-4-5 मिनट के लिए तो देखते रहो, तो वैसे ही दिमाग में सेट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये भी अपना सकते हो, या तो आप अच्छी तरीके से 2-3 बार कॉपी में नोट करके याद कर लो, या बगल में चिपका लो जहां पर पढ़ने बैठते हो तो भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट फार्मूला नंबर 14। तो जो आपका फार्मूला नंबर 14 है वो आपका फार्मूला है डियर स्टूडेंट cos a का। cos a का फार्मूला क्या होता है, तो cos a का फार्मूला क्या होगा, देखना डियर स्टूडेंट ध्यान से, cos a बराबर क्या होगा, cos a बराबर आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट cos स्क्वायर a by 2 माइनस का sin स्क्वायर a by 2। ठीक है, यदि हम केवल और केवल साइन के पदों में बात करें तो cos a का फार्मूला क्या होगा, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर a by 2 होगा, केवल और केवल साइन के पदों में। यदि हम केवल और केवल cos के पदों में बात करें तो cos a का फार्मूला क्या होगा, 2 cos स्क्वायर a by 2 माइनस का 1 हो जाएगा। यदि हम बात करें 10 के पदों में cos a का फार्मूला क्या होगा, तो 10 के पदों में cos a का फार्मूला होगा 1 माइनस का tan स्क्वायर a by 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का tan स्क्वायर a by 2 होगा। तो इस तरीके से cos a के चारों फार्मूले अच्छी तरीके से ध्यान में रखने का, ध्यान रखने की कुछ जरूरत नहीं है। जैसे आपने cos 2a का फार्मूला ध्यान में रखा ना कि cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर a होता है, तो cos a में क्या करना, नीचे में बटा 2 कर देना, यानी 2a था तो a के पदों में आता था, जब a है तो a by 2 के पदों में आएगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट tan a का फार्मूला क्या होगा, जल्दी बताओ tan a का फार्मूला क्या होगा। तो tan a बराबर आपका क्या होता है, इसके बारे में आप जल्दी बताना डियर स्टूडेंट। तो tan a बराबर आपका हो जाएगा 2 tan a by 2 divided by 1 plus का tan square a by 2 होता है, a आपका tan a का फार्मूला होता है, यहाँ पर माइनस होता है, सॉरी डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपका माइनस होता है। ठीक है, तो tan a बराबर 2 tan a by 2 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a by 2 होता है। नेक्स्ट जो आपका फार्मूला है डियर स्टूडेंट वो आपका है cot a का फार्मूला। किसका फार्मूला है, cot a का। तो cot a का फार्मूला क्या होगा, cot a का फार्मूला आपका होगा tan, सॉरी cot a का फार्मूला cot के पदों में होगा यार, cot a का फार्मूला होगा आपका
cot square a by 2 minus का 1 divided by 2 cot a by 2. तो a आपका cot a का फार्मूला है, cot square a by 2 minus 1 divided by 2 cot a by 2. मैं बार बार बोल रहा हूँ, केवल आप sin 2a, cos 2a, tan 2a, cot 2a का फार्मूला रखना, याद रखना, उसको याद कर लोगे तो अच्छी तरीके से याद हो जाएगा. कैसे? जैसे sin 2a में फार्मूला के रूप में a के रूप में आता था, तो यहाँ पर यदि a है तो a by 2 के रूप में आता जाता है, बस इतना ध्यान में रखना. नेक्स्ट हम बात करते हैं dear student, sin 3a का फार्मूला क्या होता है. इसका sin 3a का फार्मूला क्या होता है, तो ध्यान से लिखना. sin 3a बराबर आपका होता है 3 sin a माइनस का 4 sin क्यूब. ये आपका sin 3a का फार्मूला होता है 3 sin a माइनस का 4 sin क्यूब. ये आपका sin 3a का फार्मूला होता है. वहीं पर हम बात करें दिए स्टूडेंट cos 3a का फार्मूला क्या होता है, तो cos 3a बराबर आपका होता है 4 cos qa माइनस का 3 cos a. 4 cos qa माइनस का 3 cos a, cos 3a का भी फार्मूला होता है. यह फार्मूला भी अच्छे हैं, कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है. नेक्स्ट हमारा जो फार्मूला है वो आपका है tan 3a. तो किसको किसको tan 3a का फार्मूला पता है, जल्दी बताना मेरे दोस्त कि tan 3a का फार्मूला क्या होता है. tan 3a का फार्मूला किसको किसको पता है, जल्दी बताना tan 3a का फार्मूला क्या होता है. तो tan 3a का फार्मूला होता है 3 tan a minus tan qa divided by 1 minus 3 tan square. 3 tan a minus tan qa divided by 1 minus 3 tan square. तो tan 3a का फार्मूला क्या होता है, 3 tan a minus tan qa divided by 1 minus का 3 tan square a. a आपका tan 3a का फार्मूला होता है 3 tan a minus tan qa divided by 1 minus का 3 tan square a, जो होता है वो आपका tan 3a का फार्मूला है. फार्मूला नंबर 20 ध्यान से लिखना डियर स्टूडेंट. cot 3a बराबर क्या होता है, cot 3a बराबर क्या होता है, ये तो आप आसानी से बता सकते हो कि cot 3a बराबर क्या होता है. तो cot 3a बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट, cot qa माइनस का 3 cot बट्टे का 3 cot square a माइनस का 1. तो cot 3a बराबर क्या होता है, cot qa माइनस 3 cot a. cot 3a बराबर होता है cot qa माइनस का 3 cot a डिवाइडेड बाय 3 cot q 3 cot square a माइनस का 1. ये आपका cot 3a का फार्मूला होता है, cot qa माइनस 3 cot a बट्टे का 3 cot square a माइनस का 1, जो होता है cot 3a का फार्मूला होता है. इसको और क्या लिख सकते हो, इसको और क्या लिख सकते हो डियर स्टूडेंट, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 3 cot a माइनस का cot qa बट्टे का 1 माइनस का 3 cot square a भी लिख सकते हो. किया मैंने कुछ नहीं है, ऊपर में भी माइनस से गुणा कर दिया है और नीचे में भी माइनस से गुणा कर दिया है, तो a वैल्यू आपका प्लस हो गई और a वैल्यू आपका माइनस हो गई. जब नीचे में माइनस से गुणा किया है तो माइनस 1 जो था वो प्लस में हो गया और जो प्लस वाली वैल्यू थी वो माइनस हो गई. तो दोनों ही कांसेप्ट आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट आपका जो फार्मूला है डियर स्टूडेंट वो आपका है cos 36 डिग्री का मान क्या होता है. बिल्कुल ध्यान में रखने की चीज है कि cos 36 डिग्री का मान क्या होता है. तो cos 36 डिग्री का जो मान होता है वो आपका होता है कड़ी में 5 / 1/4. cos 36 डिग्री का जो मान होता है कड़ी में 5 / 1/4 होता है.
अब बताओ cos 36 डिग्री का मान साइन में कितने डिग्री के मान के बराबर होगा? तो cos 36 डिग्री का जो मान होगा डियर स्टूडेंट, वो आपका साइन 54 डिग्री के मान के बराबर होगा। तो इस तरीके से साइन 54 डिग्री का मान भी कड़ी में 5 / 1/4 होता है और cos 36 डिग्री का भी मान भी कड़ी में 5 / 1/4 होता है। लास्ट और अंतिम ध्यान में रखना, साइन 36 डिग्री का मान कितने डिग्री के बराबर होता है? साइन 36 डिग्री का मान कितने डिग्री के बराबर होता है? तो साइन 36 डिग्री का मान कितने के बराबर होता है? आपका होता है कड़ी के अंदर 10 प्लस का 2 कड़ी में 5, हमको भी याद नहीं है, 2 कड़ी में 5 बट्टे का 4 होता है। ये आपका cos साइन 36 डिग्री का मान होता है। कड़ी में 10 प्लस 2 कड़ी में 5/4 होता है और यह मान किसके बराबर हो सकता है? तो साइन 36 डिग्री का मान जो होगा वो आपका cos 54 डिग्री के बराबर ही होगा। तो इस तरीके से cos 54 डिग्री बोले या साइन 36 डिग्री बोले, दोनों का मान कड़ी के अंदर 10 प्लस 2 कड़ी में 5/4 होता है। यहाँ तक आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि मैंने सारे फार्मूलों को बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताया है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम चलेंगे डियर स्टूडेंट इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अब ताबड़तोड़ डियर स्टूडेंट हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन को फोड़ते जाएंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल गोली की तरह हम सॉल्व करने वाले हैं। आप बगल में फार्मूला वाली कॉपी रख लेना और मैं बिल्कुल शानदार तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला। तो चलिए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस प्रकार से है, यदि cos थीटा बराबर 8/17 हो तो sin 2 थीटा का मान, यदि cos थीटा बराबर 8/17 है तो sin 2 थीटा का मान क्या होगा ये आपको बताना है। cos थीटा बराबर इन्होंने दे रखा है 8/17, तो आपको बताना है कि sin 2 थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो sin 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 sin थीटा * का cos थीटा। यानी कि यदि हमको sin थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो हम जो है sin 2 थीटा का मान निकाल सकते हैं। अब आ जाना पाइथागोरस प्रमेय पर। देखो पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, देखो यहां पर देखो आपने पढ़ रखा है कि cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे का कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे का कर्ण। तो आधार कितना है? 8 और कोण आपका है 17। तो लंब की वैल्यू निकाल लोगे ना आसानी से। लंब की वैल्यू कैसे निकालते हो? कोण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटाओ। तो कोण कितना है? 17। 17 का स्क्वायर करोगे 289 माइनस का आधार का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर करोगे 64। तो 289 में से 64 घटाओगे 225 आएगा और 225 का वर्गमूल निकालोगे तो 15 जाएगा। यानी आपने लंब की वैल्यू निकाल लिया 15। अब तो सॉल्व कर लोगे, अब सॉल्व कर लो तो देखो 2 sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे का कोण। तो लंब की वैल्यू है बाबू 15 और कोण की वैल्यू है 17 गुणे cos थीटा की वैल्यू कितना है? 8/17। सॉल्व कर लो तो 15 गुणे 2 30 होगा, 30 गुणे 8 करोगे तो 240 होगा और नीचे में 17 गुणे 17 आपका 289 होगा। इस तरीके से sin 2 थीटा का जो मान होगा 240/289 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी सही है। तो देख लो यदि आपको फार्मूला पता है तो कितना सिंपल तरीके से किसी भी क्वेश्चन को मैक्सिमम
मैक्सिमम 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 को, तो ध्यान से देखना प्रत्येक क्वेश्चन के कांसेप्ट को, बिल्कुल अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन आपको समझ में आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, यदि cos a बराबर 1/2 है तो tan 2a का मान हमें बता दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि यदि cos a बराबर 1/2 है तो tan 2a का मान हमको बता दो। तो tan 2a बराबर क्या होता है, a आपको पता होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हो tan 2a की वैल्यू। ठीक है, तो tan 2a बराबर क्या होता है, tan 2a बराबर माय डियर स्टूडेंट होता है 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस का tan स्क्वायर a होता है। कितना, tan 2a बराबर आपका होता है 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस का tan स्क्वायर a होता है। तो यहां पर cos a की वैल्यू हमको पता है 1/2 का, cos a बराबर क्या होता है आधार बटे कोण, यानी आधार की वैल्यू आपको 1 दे रखा है और कोण की वैल्यू आपको दे रखा है। तो आधार की वैल्यू 1 और कोण की वैल्यू 2, तो लंब तो निकाल लोगे ना, तो लंब कैसे निकालते हो, कोण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटाओ, तो कोण का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 4 माइनस आधार का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो मिलेगा आपको 3। अब इसका वर्गमूल निकालोगे तो आपको मिल जाएगा कोणी के अंदर 3, यानी आपने लंब की वैल्यू निकाल ली कोणी के अंदर 3, लंब की वैल्यू आपने निकाल ली कोणी के अंदर 3। अब आसानी से सॉल्व कर लो, तो 2 tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे का आधार, तो लंब की वैल्यू आपका है कोणी में 3 और आधार की वैल्यू आपका है 1, बटे का 1 माइनस का tan स्क्वायर, तो tan a बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब की वैल्यू है कोणी में 3, और कोणी में 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर आपका इस वैल्यू का तो कोई मतलब नहीं है, तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, ऊपर मिल जाएगा 2 बटे कोणी में 3 और नीचे मिल जाएगा 1 माइनस का 3। अब देखो क्या मिलेगा, ऊपर से मिलेगा आपको 2 कोणी के अंदर 3 और नीचे क्या मिलेगा, 3 माइनस का 3 में से 1 घटाओगे तो क्या मिलेगा माइनस का 2, यह 2 से 2 खपचा में, तो फाइनली आपको मिल जाएगा माइनस का कोणी के अंदर 3। इस तरीके से डियर स्टूडेंट जो आपका tan 2a की वैल्यू होगी माइनस का कोणी में 3 होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह बट्टा ज्यादा लंबे हो गया है ना, इसको हम नजदीक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से नजदीक कर लो 1 माइनस का 3। ठीक है, तो क्लियर आपको समझ में आ गया होगा, ऊपर से आपको 2 कोणी में 3 मिला और नीचे से आपको 1 माइनस का 3 है, तो माइनस 3 में से घटाओगे तो माइनस का 2 मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो फाइनली आपको मिल गया माइनस का कोणी में 3, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 3। तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, यदि tan a बराबर 1/2 कोणी में 3 हो तो tan 2a का मान बताओ। tan a बराबर 1/2 कोणी में 3 है तो tan 2a का मान बताओ। tan a बराबर 1/2 कोणी के अंदर 3 है तो tan 2a का मान बताओ। तो tan 2a का जब आपको फार्मूला पता होगा तभी तो आप निकालोगे। तो tan 2a बराबर क्या मैंने बताया, 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस का tan स्क्वायर। यदि आप हमारी प्रत्येक क्लासेस लेते हो तो आपको अलग से फार्मूला रटने की भी नहीं जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन के साथ साथ उससे बनने वाले फार्मूले को भी मैं क्लास में डिस्कस करता हूं, जिससे आपको ज्यादा लोड ना पड़े, ज्यादा मेहनत आपको करने की जरूरत ना पड़े। तो यहां पर देखना डियर स्टूडेंट, 2 tan a बराबर आपको दे रखा है 1/2 कोणी में 3, तो लो जी भैया 1/2 कोणी में 3 बटे का 1 माइनस,
टेन ए बराबर कितना, एक बट्टे कर्णी में तीन, एक बट्टे कर्णी में तीन का स्क्वायर करोगे तो एक बट्टे तीन मिल जाएगा। अब देखना ऊपर से आपको मिलेगा दो बट्टे कर्णी में तीन, और नीचे से क्या मिलेगा एलसीएम लेके सॉल्व करो तो एलसीएम तो आपको मिल जाएगा तीन, और तीन एक कम तीन, तीन में से एक जाएगा दो, ठीक है। अब सॉल्व करो तो यह तीन जो है ऊपर जाएगा, यानी यह जो तीन है वो आपका दो के साथ आएगा, तो आपका हो जाएगा दो गुणे तीन ऊपर में, और नीचे में क्या होगा दो गुणे कड़ी में तीन, तो दो गुणे कड़ी में तीन नीचे में मिलेगा, हई दो से दो खपचा में। इस तीन को हम क्या लिख सकते हैं, तीन को हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट कड़ी में तीन गुणे कड़ी में तीन के रूप में, और नीचे में आपका कड़ी में तीन है तो कड़ी में तीन कैंसिल आउट होगा, तो फाइनली आपको मिल जाएगा कड़ी में तीन। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थ्री का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्वेश्चन नंबर थ्री का राइट आंसर होगा। बढ़िएगा डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर चार, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चार, जिसको फार्मूला पता होगा और यह पता होगा कि कहां पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, वो क्वेश्चन नंबर चार को बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकता है। कौन स्टूडेंट, वही स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर चार को सॉल्व कर पाएगा जिसको काश टू ए के सारे फार्मूले अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, इसके साथ साथ कौन सा फार्मूला कहां पर रखना है ये पता होगा, तो ही आप क्वेश्चन नंबर चार को सॉल्व कर पाओगे। दिया है 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2a का मान, क्या 1 माइनस का कॉस 2a डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2a का मान क्या होगा ये आपको। तो कभी भी यदि आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो सबसे पहला कदम आपका ये होना चाहिए कि ऊपर से हम एक को गायब करना है और नीचे से भी हमको एक को गायब करना है। सबसे पहला कदम आपका यही होना चाहिए कि ऊपर से हम एक को गायब कर दें और नीचे से भी हम एक को गायब कर दें। तो ध्यान से देखना, देखो वन है तो वन रख दे, अब काश टू ए के जगह पर हम क्या रख दे कि एक हमारा गायब हो जाए, तो काश टू ए के जगह पर क्या रख दो, काश टू ए के जगह पर हम रख सकते हैं डियर स्टूडेंट वन माइनस का टू साइन स्क्वायर, क्योंकि काश टू ए का साइन के पदों में फार्मूला होता है वन माइनस का टू साइन स्क्वायर। अब आ जाना नीचे, ये आपका वन है तो वन ही रखो, प्लस का इस काश टू ए के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट टू कॉस स्क्वायर ए माइनस का वन। अब आया ना मेरे दोस्त, देखो माइनस एक और प्लस एक खुपचा में, इस माइनस का जब अंदर में गुणा करोगे तो माइनस का एक हो जाएगा और यह माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, ठीक है। अब यह माइनस से यह प्लस वाली वैल्यू कैंसिल, तो ऊपर से बाबू आपको मिल जाएगा टू साइन स्क्वायर ए, और नीचे से आपको मिल जाएगा टू कॉस स्क्वायर ए। यह दो से यह दो भी कैंसिल कर दो तो साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो टेन स्क्वायर ए। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर चार का ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो देख सकते हैं कितना लॉजिकली क्वेश्चन हो था और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने सॉल्व कर दिया। सबसे पहले मैंने एक को काटा, फिर एक को काटने के बाद दो को काटा, फिर साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर। देखिएगा डियर स्टूडेंट आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं पांच क्वेश्चन केवल सॉल्व करवा रहा हूँ, फिर बाकी के बचे क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन पर आ जाना मेरे दोस्त, बोला है cot a minus tan a divided by cot a plus tan a का मान किसके बराबर होगा ये आप हमें बता दीजिए। cot a minus cot tan a divided by
कार्ट ए प्लस का टेल ए की वैल्यू किसके बराबर है ये आपको बताना है। तो कार्ट ए की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, कार्ट ए की जगह पर आप लिख सकते हैं मेरे दोस्त कास ए बटे का साइन ए। वहीं पर टेल ए की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन ए बटे का कास ए। नीचे में आ जाना, कार्ट ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कास ए बटे का साइन प्लस का टेल ए की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन ए बटे का कास ए। ठीक है, अब एलसीएम लेके आप सॉल्व करो। तो यहां पर जब आप एलसीएम ले लीजिएगा ऊपर वाली वैल्यू से तो आपको मिलेगा एलसीएम क्या साइन ए इनटू का कास। तो एलसीएम तो इसका साइन ए और कास ए का एलसीएम साइन ए कास ए हो गया। एलसीएम लेके इस वाली वैल्यू को सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर से आपको मिलेगा कास स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर। अब इस वाली वैल्यू को आप सॉल्व कीजिएगा ध्यान से तो एलसीएम तो आपको मिलेगा साइन ए इनटू का कास ए और एलसीएम लेके सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब साइन ए कास ए से साइन ए कास ए कैंसिल होगा, ऊपर आपका है कास स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है कास टू ए के। नीचे में आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए की वैल्यू आपका एक होती है तो फाइनली आपको मिल जाएगी कास टू ए। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको बताया है चैप्टर नंबर 16 है त्रिकोणमितीय फलनों से संबंधित कुछ अन्य सूत्रों के अनुप्रयोग का बेसिक फार्मूला के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। फिर भी डियर स्टूडेंट यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट या किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में डियर स्टूडेंट आगे के जो क्वेश्चन बचे हैं यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चनों को बिल्कुल शानदार तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर जरूर कर लेना। डियर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।